अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल के बारे में। तो आपने देखा होगा कि कोई भी व्हीकल्स होते हैं, आमतौर पर हेवी मोटर व्हीकल, जिसमें हम गुड्स को कैरी करने की जो यूज करते हैं, तो उसमें एक जो रियर टायर होते हैं उसके, तो उसके एकदम सेंटर, एक्सल के सेंटर में ऐसा बड़ा एक फुटबॉल टाइप आपने ऐसा ये देखा होगा, तो उसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल, जो कि पावर जो इंजन से पावर जो आती है उसको इक्वल वे में स्प्लिट करता है। तो इस ये जो होता है ये होता है डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल को अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो उसमें से ऐसा दिखेगा आपको। तो ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट प्रोपेलर शाफ्ट से कनेक्ट होता है ये बाय यूजिंग स्लिप जॉइंट एंड डिफरेंट स्लिप जॉइंट एंड यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट और स्लिप जॉइंट से ये एंगल के थ्रू एक प्रोपेलर शाफ्ट से इंजन शाफ्ट को कनेक्ट किया होता है। तो ये इसको, और ये जो नीचे होता है ये बेवल पिनियन गियर होता है, और इसको ही इसको इसका जो यूज होता है ये हम जो 90 डिग्री में अगर कोई रोटेशन का हमको स्प्लिट करना है तो उसके लिए ये बेवल पिनियन गियर का हम अरेंजमेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसको अरेंज किया होता है क्रॉम व्हील, और यहाँ पर दो हाफ शाफ्ट होते हैं इसको, ये इधर एक हाफ शाफ्ट दिख रहा है आपको और ये इधर एक हाफ शाफ्ट। क्राउन व्हील जो होता है इस पर एक केज माउंट किया होता है, केज जो दिख रहा है आपको ये जो केज है ये माउंट किया होता है, और ये केज के अंदर यहाँ सन गियर और प्लैनेट गियर के ऐसे दो दो पेयर्स होते हैं, ये सन गियर और ये प्लैनेट गियर, फिर से ये सन गियर ये प्लैनेट गियर। तो ये सिंपल जो ये कंस्ट्रक्शन है ये डिफरेंशियल इसको कहते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो एक जनरल जो ये होता है कि अगर कोई आदमी अगर यहाँ पर ठहरा हुआ है और इसको अगर हमको ये यहाँ से, और एक आदमी यहाँ पर ठहरा हुआ है, तो अगर हम यहाँ से टर्न ले रहे हैं, तो यहाँ से अपने टर्न कितना लेना है, ये यहाँ से यहाँ तक तो लेना है टर्न, लेकिन ये जो होता है ये टायर इसको यहाँ से यहाँ तक टर्न लेना पड़ता है। तो ये जो टायर जो है तो इसको ज्यादा डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ता है, और उसी वक्त ये इधर का जो टायर है इसको ज्यादा कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो इसको अब ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो इसकी स्पीड भी ज्यादा चाहिए हमको। तो ये जो ये स्पीड एक्चुअल में हमको इसको अचीव करने के लिए जो मैकेनिज्म हम जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल में क्या होता है, जब जब भी हम कोई टर्न लेते हैं तो ये इस तरह का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से ये हमको इसकी जो आइदर साइड की जो टायर्स होते हैं, जिधर हम टर्न ले रहे हैं तो उसके लेफ्ट साइड का जो टायर होता है, अपोजिट साइड का जो टायर होता है, जिधर हम टर्न ले रहे हैं उसके अपोजिट साइड का, तो वो टायर क्या होता है, वो टायर ज्यादा आरपीएम से रोटेट होता है कंपेरेटिवली जो अपोजिट साइड का टायर जो है उसका। तो इससे हमको ये यहाँ पर बेटर ट्रैक्शन मिलता है इस पर रोड पे, जो ट्रैक्शन जिसकी वजह से जो व्हीकल है वो स्लिप नहीं होती। तो ये जनरल इसका डायग्राम ऐसी इस तरह होती है, इसमें एक हाफ शाफ्ट होता है और इसमें एक्सल में होता है ये पूरा, ये हाफ शाफ्ट जो है एक्सल के थ्रू टायर से कनेक्टेड होते हैं और ये इस तरह से वर्क करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरा तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों, और मेरे चैनल पर जो बेल आइकन है बेल आइकन को दबाएं, जिसकी वजह से आपको अगर मेरे जो कंटेंट्स हैं वो आपको वक्त वक्त पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।